तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ऐप के बारे में जो बहुत ही यूज़फुल ऐप है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो क्या हो रहा है ना, आजकल के इंस्टा पे लोग सभी लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंस्टा पे फ़ोटो डालने के लिए या फिर टिकटॉक पे डालने के लिए, टिकटॉक को गोली मारो, वैसे इंस्टा पे फ़ोटो स्टेटस दिखाने के लिए, फ़ोटो दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। और ख़ासकर उन लोगों करते हैं, वो लोग करते हैं जो अपने एक्स को जलाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए वो ये आज का ऐप बहुत ही ख़ास ऐप है, थ्रेड्स ऐप। ये ऑफिशियल कह सकते हैं आप, ऑफिशियल है, एकदम ऑफिशियल ही है। इसका इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है। आप इसको ओपन करने के बाद आप यह सामने में आपके आएगा कि आपका ही प्रोफाइल सामने में आएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। ना इसमें पासवर्ड पूछेगा क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लोज फ्रेंड को, अपने क्लोज फ्रेंड का लिस्ट बनाने के लिए सामने में आएगा। तो आप इंस्टा से किसी भी इंस्टाग्राम के सभी को आप फॉलो करते हैं उसको, या यो आपको फॉलो करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सभी को, अपने एक्स को, अपने वाइफ को, सभी को ले सकते हैं। तो उसमें लिस्ट में ऐड करने के बाद आप उसमें जैसे सामने में इमोजी है, आप स्टेटस ये लगा सकते हैं या फिर कस्टम स्टेटस आप बना के डाल सकते हैं। और वो हमेशा आप उस जिसको क्लोज फ्रेंड में डालेंगे, वो चाह के भी ना चाह के भी वो स्टेटस देखेगा जरूर। तो इस तरह से आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड को या फिर एक्स बॉयफ्रेंड को इस तरह से आप जला सकते हैं, अपना धुआंधार फोटो डाल के, अपना धुआंधार स्टेटस डाल के। तो ये रहा एक पहला ऐप। और अगर हम दूसरे ऐप की बात कर लें तो ये ऐप है से चीज़ ऐप। से चीज़ ऐप बहुत ही ख़ास ऐप है। इसमें लगभग सभी स्टेटस बार को पूरा चेंज कर देता है, लेकिन इसमें एक फ़ीचर बहुत ही ख़ास है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें क्या सबसे ख़ास फ़ीचर है, ये तो नॉर्मल स्टेटस बार को चेंज कर देता है, ये हिसाब आप किसी भी ऐप से कर लेते हैं, लेकिन ये जो ऐप है से चीज़ ऐप है, इसको आप अगर इंस्टॉल करने के बाद आप अपने अंगूठे से ही, उंगली से ही कि आपको ये आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे लाना भी नहीं पड़ेगा, आप इस डिस्प्ले से ही स्क्रीन को, ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि डाउनलोड डाउनलोड हो रहा है, और फाइल बार बार हम लोग नीचे करते हैं, फिर देखते हैं हाँ इतना डाउनलोड हुआ, फिर नीचे करते हैं फिर इतना डाउनलोड हुआ, इतना डाउनलोड हुआ, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऐप है डाउनलोड प्लस प्लस, इससे क्या होगा, आप अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने फ़ोन में डाल लेते हैं, तो उसके बाद आपको किसी चीज़ का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा नीचे लाने का, फिर आपको देखना पड़ेगा हाँ इतना डाउनलोड हो गया, आपको फिर अदर काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इसमें क्या है, आपको आप अदर काम कर रहे हैं लेकिन हाँ एक टी बन जाएगा सामने में, ऊपर में लाइन बन जाएगा, आप उसको लाइन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपको जो कहना है कहिए। तो वहाँ पर सामने में बन जाएगा कि हाँ इतना डाउनलोड हुआ, इतना डाउनलोड हुआ और इतना बाकी है। तो इस ऐप का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, वैसे फोकट में तो बैठे ही आप, लेकिन फिर भी डाउनलोड करके देख लो आप। अगर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो, आज का वीडियो या फिर एप्लीकेशन पसंद आया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।